तो फाइनली दोस्तों आज जीत चुका है मैच न्यूजीलैंड से। राम राम साहब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग एक नंबर ओके रिपोर्ट होंगे। तो दोस्त आज का सीन क्या है? तो आज का सीन ये है कि अभी अपन नहा धो के बढ़िया रेडी हो चुके हैं, ओके रिपोर्ट हो गई है सब चीज़ें। अब अपन इंतजार कर रहे हैं, टाइम हो गया अभी 10:30 मतलब 10:30 बज चुके हैं। अब इंतजार कर रहे हैं आज क्या है। आज है बहुत बड़ा दिन, क्योंकि अभी आप जैसा कि आप सभी को पता है अभी चल रहा है वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो उसमें इंडिया अपनी टीम जो है हिंदुस्तानी इंडिया भारत टीम जो हमारी है वो अभी तक चार मैच के लिए चारों मैचों में बढ़िया जीत की है। लेकिन उससे भी एक और ख़ास बात ये मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए है, ये इसलिए मतलब मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि मैटर जो है आज जो जिस टीम से मैच है अपना इंडिया का जिस टीम से मैच है वो टीम भी अभी नंबर वन पर चल रही है, वो भी अभी तक चार मैच खेली है, चारों मैचों में जीती है। तो उस टीम का नाम है न्यूजीलैंड। तो आज 2 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो उस मैच का बड़ा तेज़ी से बड़ा हैवी तरीके से मुझे इंतजार है। और आज है संडे, तो आज ग्राउंड भी बहुत बेहतरीन तरीके से भरा होगा। तो बस इंतजार ये है कि कब मैच स्टार्ट हो और कब मैच देखें। तो आज उम्मीद ये है कि हमारा देश है, आज उम्मीद भगवान से प्रार्थना यही है कि इंडिया जीते आज भी बहुत अच्छे तरीके से, और उसी का इंतजार चल रहा है। तो खाना वाना खा के बस अभी बैठ जाता हूँ मैं तो इंतजार करने, मैं कुछ नहीं करूँगा। अभी जो भी बाहर के काम है मुझे आज वो सब मैं अभी बस 1-1.5 घंटे के अंदर सारे निपटा निपटू के फिर फ्री होकर बस टीवी के सामने बैठना है कि मैच देखना है। तो बस अभी रेडी हो गए तो चलता हूँ, देखता हूँ खाना वाना तैयार हुआ या नहीं। तो खाना अगर तैयार हो गया होगा तो खाना खाऊंगा, और नहीं हुआ होगा तो फिर मुझे 2-3 काम है मतलब मार्केट जाने के, तो उन कामों को कंप्लीट करके फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है? तो मैच देखना, तो मैं ये चाहता हूँ आप सब भी सपोर्ट करें इंडिया को, करोगे यार अपना देश है। तो एक बार जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। एक बार जोर से बोलो हिंदुस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय इंडिया टीम, क्रिकेट टीम। चलो अभी मिलता हूँ, तो अभी मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर से खाने पर। चलो शतक है यार। तो आज खासकर बारवा शॉट मार रहा था मैंने कोई वाली बॉल पे, और यानी इसके एक बहुत बड़ी सीख है वो है इस तरह से विराट कोहली से भी 25 जिताएंगे केएल राहुल और विराट कोहली दोनों ही मैच जिता रहे होंगे। और कुछ फुल शॉट जरूर खेले, तो कब तक आप फुल शॉट तो खेलते रहेंगे, कोशिश करते भी रहेंगे? अभी तो विराट टिका हुआ है, केएल राहुल बढ़िया बैटिंग करेगा, धोनी के बाद सूर्य कुमार यादव सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, अगर सूर्य कुमार यादव बहुत तगड़ा खेलता है, फिर बाद के बाद जडेजा बहुत बैटिंग है वो। तो फाइनली दोस्तों आज जीत चुका है मैच न्यूजीलैंड से, जो कि 10 साल बाद वर्ल्ड कप में मतलब, और मैं जो भी नहीं बोल रहा हूँ वर्ल्ड कप में 10 सालों बाद आज इंडिया जीता, मतलब दो बार के वर्ल्ड कप 2015 और 2019 के बाद इस 2023 के वर्ल्ड कप में जीता है वर्ल्ड कप के अंदर मैच इंडिया न्यूजीलैंड से। तो बहुत धमाकेदार जीत हुई, एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब 5 विकेट हो गए तो दिमाग खराब हो गया, पर एक उम्मीद थी विश्वास था कि विराट कोहली जब तक है तब तक पॉसिबल है। तो विराट कोहली जी ने एक नंबर क्रिकेट खेला, मज़ा आ गया और क्या बताऊँ कितना मज़ा आ गया, अपने सब दिल खुश हो गया। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत रह गई कि 95 पर बेचारा आउट हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन कोई नहीं, एंड ऑफ द डे इंडिया जीत गया। शतक तो फिर भी बन जाएंगे, सेंचुरी और भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हमारी टीम को जीतना चाहिए। और इस वर्ल्ड कप को अब तो उम्मीद है कि उम्मीद लगती है कि 2023 का वर्ल्ड कप कन्फर्म अब तो आएगा इंडिया भाई,
तो आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ इस जीत के लिए, मजे करें मौज में। तो अब मैं खाता हूँ खाना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 10:30 का टाइम हो गया, तो खाना खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको कल किसी नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान, जय भारत।